एक रात विक्की अपने ही घर में मरा हुआ मिलता है। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। विक्की के घर में उस रात सिर्फ 3 ही लोग थे, कुक, गार्डनर और बटलर। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस उन तीनों से पूछती है कि तुम लोग उस रात क्या क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले कुक बताता है कि मैं तो डिनर प्रिपेयर कर रहा था। फिर गार्डनर बताता है कि मैं तो गार्डन में पानी डाल रहा था। और फिर बटलर बताता है कि मैं तो डाइनिंग टेबल पर प्लेट सेट कर रहा था। पुलिस तीनों की बात ध्यान से सुनती है और तुरंत पता लगा लेती है कि कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता चला? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। झूठ बोल रहा है गार्डनर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पहेली में आपको बताया था कि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो फिर गार्डनर गार्डन में पानी क्यों डाल रहा था? मतलब वो झूठ बोल रहा था, उसने ही विक्की को मारा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये तीनों पेड़ और ये दोनों धुआं तेज हवा के कारण राइट साइड जा रहे हैं और ये वाली धुआं लेफ्ट साइड जा रही है, तो इसे भी राइट साइड ही जाना चाहिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। प्रिया एक वैकेशन लेती है और एक ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। हर साल प्रिया किसी ना किसी एक कंट्री में तो घूमने जाती ही है। अभी तक प्रिया 3 कंट्रीज तो घूमकर आ चुकी है और अब यह उसका 4th ट्रिप है। प्रिया रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी फ्लाइट तो थोड़ा डिले है। दोस्तों, आपको प्रिया और उसका लगेज दिख रहा है और साथ ही फ्लाइट्स के डिपार्चर टाइम भी दिख रहे हैं। आपको इन सबको देखकर आइडिया लगाना है और बताना है कि प्रिया अब कौन सी कंट्री में जा रही है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, प्रिया के लगेज पर पिक्चर्स लगी हुई है। इनसे पता चल रहा है कि प्रिया इटली, फ्रांस और इंडिया तो घूम चुकी है, मतलब कि अब वो बर्लिन ही जा रही है। दोस्तों, क्या पता कर पाए थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने 2 पिक्चर्स है। आपको इन दोनों को ध्यान से देखना और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 4 डिफरेंसेस है। पहला, यहाँ पर घड़ी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कार नहीं है। और तीसरा, यहाँ पर मार्कर नहीं है। और चौथा, इस बच्चे के सर पर टोपी नहीं है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखकर बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल 3 डिफरेंसेस हैं। पहला, इस आदमी के सॉक्स का कलर चेंज है। दूसरा, यहाँ पर फोटो अलग है। और तीसरा, इस बच्चे के बाल का कलर चेंज है। अगर दोस्तों आपको और भी डिफरेंसेस मिले हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक रात विकास और मीरा अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा पार्क भी था। वो उस पार्क को क्रॉस कर रहे थे, तभी मीरा को पार्क की बेंच पर कुछ अजीब सा दिखता है।
फिर मीरा बोलती है, वो देखो शायद वो एक आदमी है। फिर मीरा बोलती है, चलो देखते हैं क्या हुआ उसके साथ, वो वहाँ ऐसे क्यों बैठा है, सब ठीक तो है ना। विकास बोलता है, हाँ चलो। वो दोनों वहाँ उस आदमी के पास पहुँच जाते हैं। तभी विकास बोलता है, ये देखो ये तो मरा हुआ है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। फिर विकास पुलिस को फोन करके बुलाता है। तभी वहाँ थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है। तभी पुलिस को उस बॉडी के पास एक नोट मिलता है। पुलिस को डाउट होता है, शायद उस नोट पर मर्डर का नाम लिखा है। दोस्तों ये देखिए, ये रहा वो नोट। क्या आप इस नोट को समझ सकते हैं, क्या लिखा है इस पर? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये लिखा है इस पर, शॉन एंड रॉबर्ट विल बी द नेक्स्ट, आई एम नॉट अफ्रेड। दोस्तों क्या आप पता कर पाए थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ बच्चे हैं, वो क्लास में एग्जाम दे रहे हैं। आपको इन सभी को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन सब में से कौन चीटिंग कर रहा है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये वाली गर्ल चीटिंग कर रही है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब बताइए अब कौन चीटिंग कर रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये चीटिंग कर रहा है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब इनमें से बताइए कि लड़की मना कर रही है लेकिन फिर भी लड़की की तरफ कौन छुप छुप के झांक रहा है, कौन चीटर है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए ये चीटिंग कर रहा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर की करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये डी वाली शेडो इसके करेक्ट शेडो है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बताना है कि इस पिक्चर की करेक्ट शेडो कौन सी है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए ये ए वाली शेडो इसकी करेक्ट शेडो है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, उस पिक्चर को अच्छे से देखना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मूर्ख है। दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि ये लड़का शर्टलेस में एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी स्नो में, तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये लड़की स्नो बोर्डिंग रेगिस्तान में कर रही है, जो कि इसे बर्फ वाली जगह पर करनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।